अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे और ठीक ठाक होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे और इन आइडियाज़ से आप कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होंगे। आज मैं जिस मैन्युफैक्चरिंग आइडिया के साथ आप वीडियो बना रहा हूँ, जिस मैन्युफैक्चरिंग आइडिया को, जिस बिज़नेस आइडिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो एक बड़ा ही अच्छा काम है, बड़ा ही अच्छा काम है, बड़े खूबसूरत, बड़ा अच्छा बिज़नेस है जो बड़े लेस बजट में आप काम कर सकते हैं। बड़े थोड़े सी बजट की रिक्वायरमेंट इसमें होगी आपको। तो वो काम क्या है, वो है डिश वॉश बार मेकिंग, या आसान अल्फाज में इसको कहा जाए तो बर्तन बनाने वाला साबुन कैसे बनाया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है डोलोमाइट, दूसरा इसमें रिक्वायर्ड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, फिर इसमें कलर की रिक्वायरमेंट है, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं हम, येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कलर यूज़ होता है वो ग्रीन होता है, तो आप ग्रीन यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद परफ्यूम रिक्वायर्ड है आपको, इसमें परफ्यूम्ड इसमें जो होगा आप डिपेंड करता है कि आप कैसी स्मेल, इसमें अच्छी सी स्मेल ऐड करें, इसमें परफ्यूम यूज़ करें या स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। इसके साथ ही इसमें आप एक मटेरियल ऐड होता है कंपाउंड 32 कह लेते हैं, या इसको शैम्पू बेस, ये एक ही तरह का मटेरियल लेकिन नाम इसके डिफरेंट हो सकते हैं। और ये सारे मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान की मार्केट्स में अवेलेबल है, बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है, जिनमें लाहौर में इसको आप अकबरी मंडी से बाई कर सकते हैं, फिर इसके बाद मुल्तान में गला मंडी में, रावलपिंडी में, ये हर जगह आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर देखा जाए कि एक केजी में कितने बार निकलेंगे, एक केजी में अगर 120 ग्राम का एक बार आप निकाल रहे हैं तो ये आठ आपके बार निकलेंगे, आठ टिक्कियाँ निकलेंगी। अगर यही आप 100 ग्राम का एक बार बनाएं, टिक्की बनाएं, तो उसमें 10 टिक्कियाँ निकलेंगी। डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी को समझते हैं बेस्ट या आप कॉस्ट। इन मशीन्स को आप जो जगह की रिक्वायरमेंट है, इन मशीन्स को आप जितनी भी ये मशीन होंगी जिनको मैं अगर डिस्कस करूँगा, इनको आप एक रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन मशीन्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी की बात कर लेते हैं कि इसके बाद पहले तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए इसकी मशीनरी। मशीनरी में सबसे पहले एक मिक्सर चाहिए आपको, मिक्सर छोटा सा मिक्सर होगा, इसमें ये सारे मटेरियल ऐड किए जाएंगे और मिक्स कर देगा अच्छी तरह से। ये मिक्सर पाकिस्तान में आपको ये अवेलेबल, ये मिक्सर आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानी मेड अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसकी कीमत को 40,000 होगी, इस मिक्सर की कीमत जो होगी वो 40,000 होगी, और इसको सिंगल फेज मीटर पे भी चलाया जा सकता है। इन सारी मशीनरी को सिंगल फेज मीटर पे भी चला सकते हैं आप, इसके लिए थ्री फेज मीटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये कमरे से अपने घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली। इसके बाद जो इसमें मशीन रिक्वायर्ड है इस बार को बनाने के लिए, पहले मिक्सर रिक्वायर्ड है, मिक्सर के बाद मटेरियल मिक्स हो जाएगा, उसी मिक्स्ड मटेरियल को हम लेंगे और उस मशीन में डाल देंगे। ये एक छोटा सा एक्सट्रूडर है, छोटा सा एक्सट्रूडर लाइक मशीन है, जैसे पाइप के लिए होती है, जैसे डिफरेंट कंडक्ट्स के लिए होती है, वायर कोटिंग के लिए होती है, ऐसी ये छोटी सी एक मशीन है एक्सट्रूडर टाइप जो पाकिस्तान में बना ली गई है। अगर इसे बाहर से इम्पोर्ट करें तो काफ़ी कॉस्टली होगी, लेकिन पाकिस्तान में ये बना ली गई है, इसको डिज़ाइन कर लिया गया। और इस छोटी सी मशीन को हम पहले हम मिक्स मटेरियल को इसमें ऐड करेंगे और बाद में जो इसकी प्रोडक्ट होगी वो एक्सट्रूड होगी, एक्सट्रूडेट आपके पास बाहर आ जाएगा बार की शक्ल में। अगर डाई लगी होगी बार की तो बार जैसा होगा वैसे ही डाई आगे लगा दी गई और बाहर निकलता गया, आगे कटर लगे होते हैं, कट कर देंगे इसको बार को, जितना आप साइज़ में कट करना है, लॉन्ग बार बनाना है तो लॉन्ग बार बन जाएगा, छोटी टिक्की बनानी छोटी टिक्की बन जाएगी। मोस्टली ये 120 ग्राम की एक टिक्की मार्केट में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पैकिंग वगैरह कैसे होगी। पैकिंग में पैकिंग मशीन भी आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, इसकी जो प्लास्टिक फिल्म होती है वो आप किसी से बनवा सकते हैं, या कागज़ की पैकिंग बनवा लें और इस मशीन में फिट करके आप पैकिंग करते जाएं, या इसको मैन्युअली भी आप पैक कर सकते हैं।
आपने प्रिंट करवा लें किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे, और उसको पैक करते जाएं, ग्लू के साथ चिपकाते जाएं, टिक्की अंदर ग्लू के साथ चिपकाई और बाय। इसके बाद अगर मार्केट में आप सेल कर रहे हैं इसको, तो इसके लिए कार्टन यूज़ होते हैं। एक कार्टन में 36 से 48 पीस तक रखे जाते हैं मोस्टली। तो इसमें इस कार्टन की कीमत जो होगी पाकिस्तान में 40 से 50 के दरमियान आपको एक कार्टन मिल जाएगा। 40 से 50 रुपीस में ही आपको कार्टन मिल जाएगा। अगर इस बिज़नेस आइडिया में, इस मैन्युफैक्चरिंग आइडिया में हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ यूँ है कि अगर आप रोज़ की कुछ 400 टिक्कियाँ बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, अगर क्वालिटी को इम्प्रूव रखते हैं, 120 ग्राम की टिक्की बनाते हैं, मटेरियल अच्छे यूज़ करते हैं, तो ये आपको 1 से 2 रुपये पर टिक्की बचत होगी। अगर 1 घंटे में 400 टिक्कियाँ बन रही हैं और 8 घंटे में हम हिसाब लगा लें, तो ये बन जाएंगी 3,000 बार, 3,000 टिक्कियाँ। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा रहेंगी अगर आप इसको सेल कर पाते हैं। रोज़ की रोज़ आपकी 3,000 टिक्कियाँ निकाल देते हैं तो बेस्ट है। ये मशीन रनिंग में रहेगी और आपकी प्रोडक्शन होती रहेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ये मशीन काफ़ी अच्छी है। कॉस्ट बड़ी बड़ी कम है इसकी, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में ये मशीन आपको पाकिस्तान में ही मिल जाएगी। इसके साथ एक या दो डाई अब बात कर लेता हूँ मैं कि इसमें जो मटीरियल ऐड कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको क्यों यूज़ किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोलोमाइट हमारे पास है, मेन तीन चार जो इसके मटीरियल उनके मैं बात करूँगा, डोलोमाइट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडा ऐश है। जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक पाउडर, पाउडरी फॉर्म में होता है, पाउडर मटीरियल है, जैसे CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट जो यूज़ होता है PVC में एज ए फिलर, कॉस्ट रिड्यूस करता है। इसी तरह डोलोमाइट भी एक पाउडर मटीरियल है, ये भी कॉस्ट के रिडक्शन के लिए यूज़ होता है और मैस को बढ़ाने के लिए, उस टिक्की के उस बार के वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये काफ़ी सस्ता मटीरियल है, इसलिए हम इसको इसमें यूज़ करते हैं। दूसरा जो सल्फ्यूनिक एसिड है, इसमें सल्फ्यूनिक एसिड एज ए फॉर्मिंग एजेंट यूज़ होता है। जो जाग हम देखते हैं बर्तनों पे, जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो जाग जो प्रोड्यूस होती है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज़ करें तो हम जाग प्रोड्यूस नहीं होगी और हमारा जो वो टिक्की है वो ज़्यादा यूज़ होती जाएगी। इसके साथ ही जो तीसरा मटेरियल है वो है सोडा ऐश। सोडा ऐश जो बर्तनों की क्लीननेस है, सफाई के लिए यूज़ होता है, सफाई बड़ी ईजीली करता है, ये सफाई में मदद देता है बर्तनों की, तो इसलिए सोडा ऐश इसमें रिक्वायर्ड है। और इसमें जो परफ्यूम रिक्वायर्ड है, परफ्यूम इसमें रिक्वायर्ड है कि अच्छी खुशबू आए, अच्छी स्मेल आएगी, कस्टमर को अच्छी लगेगी और इसकी सेल ज़्यादा होगी। और इसके साथ ही जो कलर इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम ग्रीन कलर मोस्टली यूज़ करते हैं, ताकि एक ट्रेंड बन चुका है ग्रीन कलर। आप इसको ग्रे कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो कलर यूज़ कर लें, अपना नया ब्रांड निकालें, और उसके साथ ताकि आपकी एक नई पहचान बने एक नई ब्रांड के साथ। ग्रीन कलर तो सभी यूज़ करते हैं, अगर आप इसको ट्रेंड को थोड़ा चेंज कर लें, ग्रे कलर यूज़ करें या येलो कलर यूज़ करें तो मे बी बेस्ट रहेगा। अगर आपको मशीनरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या आपको मशीनरी रिक्वायर्ड हो, आपको ये काम अच्छा लगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट वगैरह सारे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ